D23 में मार्वल ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट तो किए नहीं और ये मैं बार बार बोलता रहूंगा। इमोशनल एक्साइटिंग चीज दिखाई गई इस कन्वेंशन में मार्वल के द्वारा, जो कि है सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर, जो बहुत ही एक्साइटिंग लगा मुझे। चलिए करते हैं सीक्रेट इन्वेजन के पहले ट्रेलर का ब्रेकडाउन। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एक खाली जंगल में उतरता है एक स्पेसशिप, इसका दरवाजा खुलता है बिल्कुल कल्ट मूवी स्टीफन स्पीलबर्ग की ET में स्पेसशिप अराइवल सीन की तरह, और निकलता है एक प्राणी इस स्पेसशिप से। वो प्राणी है निक फ्यूरी अपने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की आखिरी सीन की लुक की तरह, ग्रिजल लुक में विदाउट द आई पैच, जहां उसका गूस के द्वारा दिया हुआ जख्म क्लियरली दिख रहा है। क्या ये ओपनिंग सीन ये इम्प्लाई कर रही है कि ये वाला फ्यूरी एक्चुअली में एक स्क्रल है? यही तो कॉन्सेप्ट है सीक्रेट इन्वेजन का, जहां स्क्रल्स ने लोगों का रूप लेकर इनफिल्ट्रेट कर लिया है। सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक में कल बहुरूपीय में शामिल थे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ऑफिशियल्स और सुपर हीरोज भी, जैसे हैंक पिम, हैप्पी होगन, इलेक्ट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद शुरू होती है स्क्रल बहुरूपियों और मार्वल एग्जिस्टिंग हीरोज के बीच जंग। इस सीरीज में इस जंग को छोटे स्तर पर दिखाया जाएगा, जहां फ्यूरी और कंपनी अच्छे स्क्रल्स के साथ यानी कि बेन मेंडलसन के ग्रुप के साथ मिलकर बुरे स्क्रल्स यानी किंग्सले बेनादीर के किरदार के ग्रुप को पकड़ने की कोशिश करेंगे। फ्यूरी फिर जाकर मिलता है एक बार में मारिया हिल से यानी एक्ट्रेस कोकोबी स्मॉल्डर्स, जो ये कंप्लेन करती है। अब इस चीज पर क्लैरिटी नहीं है कि ये सीरीज कब सेट है, पोस्ट ब्लिप, पोस्ट स्नैप या फिर पोस्ट कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, क्योंकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखाया गया कि फ्यूरी के रूप लेके बेन मेंडलसन का किरदार टैलोस अर्थ में मौजूद था और फ्यूरी स्पेस में एक स्पेसशिप कल्स की मदद से बना रहा था। तो फ्यूरी कब से अर्थ में नहीं है उस पर क्लैरिटी नहीं है। वैसे मरिया हेल का ये लाइन, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इस लाइन पर एक नॉड है। You sent Nick Fury to voicemail? Yeah. You don't send Nick Fury to voicemail. Did you hear that? वैसे ये बार रशिया में है, जिसके दरवाजे के बाहर नो स्मोकिंग साइन के लैंग्वेज से समझ में आता है। तो हो सकता है कि मरिया हिल एक अंडरकवर मिशन में रशिया आई हो, जहां से ऐसा कुछ इन्फो मिला है कि फ्यूरी को वापस आना ही पड़ा। जेम्स रोड्स यानी कि डॉन चीडल के दर्शन होते हैं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद नेक्स्ट फ्यूरी से मिलते हुए। अटकलें हैं कि रोडी इस सीरीज में एक पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट बन गया है, इसीलिए इतनी दमदार सिक्योरिटी है उसके अगल बगल। बाय द वे, ये ट्रेलर कॉमिक कॉन में भी दिखाया गया था, जहां रोड्स एक और लाइन कहता है कि उसे मालूम है 14 सालों से कि स्क्रल्स अर्थ में है। 14 साल यानी कि टोनी स्टार्क को भी मालूम था कि स्क्रल अर्थ में है। एज दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंटेलिजेंट आदमी से इतनी बड़ी बात छुपनी तो नहीं चाहिए। 14 साल पहले एग्जैक्टली वो साल है जब आयरन मैन 1 रिलीज हुई थी। तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि मार्वल फाइनली एक और मेटा नॉड में कास्ट चेंज को रिफर कर रहा है, जहां रोडी का रोल आयरन मैन 1 में किया था टेरेंस हावर्ड ने, नेक्स्ट टाइम बेबी, और अब ये रोल कीडल कर रहा है MCU में, जैसे उन्होंने रिसेंटली हल्के रोल चेंज पर टिप्पणी की है शी हल्क के एपिसोड 2 में। That fight was so many years ago, I'm a completely different person now, literally. वैसे इस बार D23 में डॉन चीडल स्टार आर्मर वॉर्स का भी अनाउंसमेंट किया गया, जो मच अवेटेड और डिलेड। ये भी कहा गया कि आर्मर वॉर्स सीक्रेट इन्वेजन की कंटिन्यूएशन होगी, यानी सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल सीक्वल होगा इसका। एवरेट रॉस यानी एक्टर मार्टिन फ्रीमैन दिखता है अगले क्लिप में, जो मेरे स्क्रल होने की लिस्ट में सबसे पहला नाम है। बेन मेंडलसन जो टैलोस का किरदार निभा रहे हैं, वो दिखते हैं पहली बार इस ट्रेलर में फ्यूरी के पीछे। क्राउन एक्ट्रेस ओलिविया कोलमैन फिर दिखती है शाइनिंग कॉर्पसेस के बीच, जिन्हें आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि इनमें स्क्रल्स की लाशें हैं। हो सकता है इन लोगों के मरने के बाद इनका स्क्रल अपीयरेंस दिख जाता है, जो एक्चुअली में कैप्टन मार्वल में दिखा था, और उनकी बॉडीज को रखा गया है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। फिर टैलोस का ये लाइन आता है जो वो एक्चुअली किंग्सले बेनादीर को कह रहा है। इस ड्रामेटिक सीन के कंटिन्यूएशन में, जहां आसपास के सारे लोग किंग्सले का रूप ले लेते हैं और एक शॉक बेन मेंडलसन देखता रहता है। सीरीज और बॉम्ब ब्लास्ट दिखता है इस क्लिप में, ओलिविया कोलमैन फिर दिखती है, उनका नाम बताया जा रहा है फॉल्सवर्थ है। MCU में ऑलरेडी एक फॉल्सवर्थ दिख चुका है, जो कि है जेम्स मॉन्टगोमरी फॉल्सवर्थ, एक ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 सोल्जर जिसे यूनियन जैक बुलाया जाता था, और वो कैप्टन अमेरिका के हाउलिंग कमांडोज का पार्ट था। इस किरदार को निभाया था जे.जे. फीड ने। इस सीरीज में कोलमैन शायद जेम्स की नाती ब्रायन वाला किरदार निभा रही है। शायद इसका जेंडर स्वैप कर दिया गया है, जो मार्वल अक्सर करती है छोटे मोटे किरदारों के साथ, जैसे कैप्टन मार्वल मूवी में मार्वेल, डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में एंशिएंट 1 के साथ किया था उन लोगों ने। यूनियन जैक का सीक्रेट इन्वेजन में इंपॉर्टेंट किरदार था। ये भी हो सकता है कि वो ब्रायन की बहन जैकलीन का किरदार निभा रही हो, जो बाद में जाके एक वैम्पायरिक बाइट के बाद बन जाती है म्यूटेटेड सुपर हीरो स्पिटफायर।
एमिलिया क्लार्क का भी पहला लुक मिलता है इस ट्रेलर में, हालांकि ये क्लियर नहीं है कि एमिलिया क्या किरदार निभा रही है। रूमर्स है कि वो जिया नाम की स्कल का किरदार निभा रही है, जो इनिशियली विलन्स के सपोर्ट में थी कॉमिक्स में, बाद में जाके उनकी ब्रूटैलिटी को देख के रिफॉर्म्ड हो जाती है, इसलिए उन सेट फोटोज में एमिलिया किंग्सले के साथ भी दिखी थी। ये भी हो सकता है कि मार्वल जिया को टैलोस की बेटी का रोल में रेडकॉन कर दे, जो कैप्टन मार्वल में दिख चुकी है मोनिका की बेस्ट फ्रेंड के रूप में, जिससे एक डायरेक्ट माँ बाप बेटी का ड्रामा देखने को मिले। इस क्लिप में दो ऑफिसर्स ब्लैक कॉस्ट्यूम में दिखते हैं, उनके पीछे लिखा हुआ DODC, तो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल मिस मार्वल और शी हल्क की तरह इस सीरीज में भी दिखेंगे, जहां मुझे लगता है कि उनका काम है एलियन प्रजाति के लोगों को कंट्रोल में रखना। इस ऑर्गेनाइजेशन से शायद बाद में जाकर एंटी म्यूटेंट फोर्सेस दिखेंगे, जब भी कमाला की तरह और म्यूटेंट्स एमसीयू में आना शुरू हो जाएंगे। इस सीन में कॉमिक्स की तरह US प्रेसिडेंट से इस सीरीज में निभा रहे हैं डर्मट मलरॉनी पर अटैक हो रहा है। ये किरदार प्रेसिडेंट है उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट से ही पता चल जाता है, जो रियल लाइफ में भी US प्रेसिडेंट की गाड़ी का नंबर है 800002। ये अटैक शायद स्कल्स के द्वारा किया गया है, ताकि प्रेसिडेंट के जगह एक स्कल को रखा जा सके, जैसे कि सीक्रेट इन्वेशन कॉमिक में प्रेसिडेंट है। आखिरी क्लिप में दिखता है निक फ्यूरी अपनी आई पैच और क्लीन शेविन लुक के साथ टिप टॉप। ये सीरीज 2023 को रिलीज हो रही है और ट्रेलर बहुत एक्साइटिंग लगा मुझे, एकदम कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर का फील देती है ये सीरीज, सीरियस स्पाई थ्रिलर जो एमसीयू में कम ही बनता है। कुछ रीसेंट वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और D23 से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। और ऐसे ब्रेकडाउन्स के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू। और जस्ट ए नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में, और इंग्लिश रिटन रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ProNeetDiary.blogspot.com में।